देखिए कौन क्या कर रहा है उससे हम लोग को लेना देना नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं इस बात पे आप पूछिए, उस पर हम सही सही जवाब देंगे। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे प्रखंड स्तर का हो, बूथ स्तर का, सब लोग अपने लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग फल ऊपर वाला देता है, और जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। मंत्रियों का कैंप कब से लग रहा है, आप भी जाएंगे? अभी फिलहाल इसके बारे में पार्टी का अगर ऐसा आदेश होगा तो जरूर जाएंगे। पार्टी हमारी जननी है और गार्जियन है, हमारे गार्जियन लोग जब बच्चे को भेजते हैं तो सब गार्जियन काम करना है हम लोग को, तो जब भेजेगा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चावल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सभी लोग अवगत हैं, और ऐसी बात नहीं है। और आप देखिए इथेनॉल का, उसी के जगह पे हम लोगों ने इथेनॉल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका तो रेट भी कम है, और आने वाले दिनों में अधिकतर गाड़ियां इथेनॉल से चलेगी, और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी पूरे बिहार में आने वाले दिनों में चालू होगा। अभी आप पटना में देख रहे हैं कि पटना से गया हो, नालंदा हो, आप मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, जब सीएनजी का जहाँ जहाँ स्टेशन लगना है, अगर पूरे बिहार में उसका लग जाएगा तो पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बसें का आप जानते हैं कि चार्जिंग पॉइंट बनाना होता है, तो जैसे जैसे पहले आपने देखा जब शुरू हुआ तो फर्स्ट टाइम हम लोग का इलेक्ट्रिक बस कहाँ चल रहा था, सिर्फ पटना ही में चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने बढ़ा करके मुजफ्फरपुर ले गया, फिर हम लोग गया ले गए, उसके बाद देखिए आज के डेट में दरभंगा तक पहुँच गया। तो आने वाले दिनों में इसका विस्तार हो भी रहा है और होगा भी। अभी भी कई ऐसी शिकायतें हैं कि वो बिहार से बाहर जो बसें जा रही हैं, जैसे झारखंड हो, वहाँ मनमाने तरीके से भी किराया लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह मैं सूचना आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसकी जांच कराएंगे तो एक बड़ा स्कैंडल इसमें मिलने वाला है। अच्छा देखिए, जहाँ तक आप बोले कि हम लोग विभाग के प्रति हमेशा सिंसियर रहे हैं, और देखिए शिकवा शिकायत तो जहाँ काम होता है वहीं शिकायत भी होता है। जहाँ घर में भी आप 10 बर्तन रहे, 10 लोग रहे, तो जरूरी नहीं कि आप सबको ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी बेश रहता ही है। इस बात का हम लोग ध्यान भी रखते हैं, अगर उस तरह की बातें होती है तो सब हम आम जनता से कहते हैं, अगर ऐसी बात मिले तो आप जो रसीद काट के आपको पर्ची देता है ज़्यादा भाड़े का, उसका हमको दिखाइए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, और उसका फ़ोटो लेकर के जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। और देख ही रहे हैं कि आप हम लोग उसने सभी सुविधाओं को ध्यान में रख करके झारखंड, पटना झारखंड बस चलाए, यूपी से चलाए, नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक बस जा रही है, नेपाल तक, तो बस तो हमेशा परिवहन विभाग राज्य स्तर पे हमेशा काम करती है, जनहित में काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है, और ये सरकार जो हम लोग का है वो काम करने वाली सरकार है। हम लोग जाते कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, और हम लोग की सरकार काम करने वाली सरकार है। बिहार के तमाम भाइयों एवं बहनों, आपसे मेरा अपील होगा कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय स्थान वन व्हीलर रोड पटना में 8 अक्टूबर को 1 बजे मनाना तय किया गया है। जिस कार्यक्रम में आप तमाम बिहार के भाइयों एवं बहनों, खास करके दलित भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को शांति दें, और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों को मजबूत करने का कष्ट करें, ताकि रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार किया जा सके। धन्यवाद।